कारण सौभाग्यशाली है कि एक देश के कर्मठ व्यक्ति के नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सतीश चंद्र दुबे, कैमरामैन प्रहलाद के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। जी बिल्कुल। तो सतीश चंद्र दुबे को आप सुन रहे थे, ब्राह्मण समाज से आते हैं और इसलिए इस मंत्रिमंडल की अगर बात करें जिनमें नए संभावित चेहरों की चर्चा हो रही है उनमें सतीश चंद्र दुबे का नाम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सौभाग्य की बात है कि ये अगर कार्य करने का मौका मुझे मिल रहा है, लेकिन विजन एक ही, लक्ष्य एक ही कि देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होकर नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। और इसलिए सतीश चंद्र दुबे ने सीधे तौर पर यह कहा कि भाई जनता से जो किया क्या वादा है उस वादे को निभाने का वक्त है और इसीलिए हम सब पूरी तत्परता के साथ तन्मयता के साथ जुटे हुए हैं। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जेटीयू सांसद ललन सिंह मंत्री बनने वाले हैं। जेटीयू कोटे से इन नामों को देख लीजिए और बिहार इस बार सबसे ज्यादा मंत्री अगर कहीं से बन रहे हैं तो संभवतः वो बिहार ही राज्य होगा। नित्यानंद राय मंत्री बनने वाले हैं, राजभूषण निषाद मंत्री बनेंगे। ये वो तमाम संभावित मंत्रियों के नाम जिसे आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जेटीयू सांसद ललन सिंह की बात कर लीजिए, जेडीयू से रामनाथ ठाकुर की बात कर लीजिए, बीजेपी से गिरिराज सिंह की बात कर लीजिए, नित्यानंद राय भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। आठ आठ चेहरे आपको बिहार से प्रतिनिधित्व बिहार का करते हुए नजर आएंगे संसद के अंदर से। और ये वो सभी जिस सामाजिक एक तरीके से मजबूती की बात की जाती है उस जातीय समीकरण को साधने का भी प्रयास भरपूर तरीके से किया गया है। संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी ये दो नाम हैं जो झारखंड से सामने आ रहे हैं। बीजेपी से सतीश चंद्र दुबे जिन्हें आप सुन भी रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हम सबकी कोशिश यही कि भाई हम सबको विकास के इस कार्य में कैसे अपनी भूमिका निभानी है और विभाग मिलने के साथ द्रुत गति से कार्य करना है। जिन लोगों ने पहले से विभागों को संभाल रखा होगा उन्हें अपने उन विभागों के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा गया। जिन्हें नए जिम्मेदारी मिलेंगी उन्हें बताया गया कि कार्य पद्धति क्या होगी, कार्य प्रक्रिया क्या होगी, कार्य प्रणाली क्या रही है जिस तरफ मोदी सरकार हमेशा से चलती रही है। और बैठक में 5 साल के रोड मैप पर चर्चा की गई। और ये देखिए ये वो चेहरे जिन्हें हम पंक्ति दर पंक्ति भी दिखा रहे हैं और इन चेहरों पर एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी भूमिका भी सुनिश्चित होने वाली। 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य और ये संकल्प है। संकल्प को कैसे भी पूरा करना है क्योंकि जनता का विश्वास हम पर और वो विश्वास और मजबूत होना चाहिए। गिरिराज सिंह की बात कर लें, बिहार से जिन्हें फायर ब्रांड नेता के तौर पर आप जानते हैं, उनसे जब ये कहा गया कि भाई क्या कार्य पद्धति होगी तो उन्होंने कहा कि भाई जो मेरे कार्यशैली रही है वही कार्यशैली होगी। एक बार फिर से बड़ी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के बाजुओं को और मजबूत करते हुए हम सभी नजर आएंगे। यहाँ पर इन चेहरों में कई नए चेहरे भी आपको नजर आ रहे होंगे। हालांकि इन नए चेहरों तक एक संदेश कह लीजिए जो इस बैठक के जरिए, इस चर्चा के जरिए देने का प्रयास भी किया गया। अश्विनी वैष्णव, अन्नपूर्णा देवी, गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया, ये वो तमाम नाम आपके सामने थे। नरेंद्र मोदी आज शाम तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं और उससे पहले उन्होंने अपने दिल्ली स्थित आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ एक बैठक की। और ये बैठक की तस्वीर एक तरफ और पहली तस्वीर जहां पर आपको सबसे पहले दिन जब मंत्रणा की गई सभी सहयोगी दलों के नेताओं के साथ, उस दौरान नरेंद्र मोदी तब भी प्रसन्नचित मुद्रा में आपको नजर आ रहे होंगे। उन्होंने सभी के अभिवादन को स्वीकार भी किया। उन्होंने कहा कि ये जो प्रेम, ये जो भाव इस वक्त मेरे अंदर प्रस्फुटित हो रहा है वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन जो जनता का भरोसा और विश्वास है उस पर खरा उतरना ये हम सबका सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। दो तस्वीरों के जरिए जरा समझिए आप। तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं और इसे लेकर एलजेपीआरवी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने 10 सालों में विकास किया है और आगे भी ये विकास जो है अनवरत चलता रहेगा। पिछले 10 सालों से ये देश विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। खासतौर पर हम जैसे युवा सांसदों को उनके अनुभव से सीखने की बहुत जरूरत है। उन्हीं का अनुभव का आज लाभ लेने हम लोग वहां गए थे। प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसी बातें हैं
जो हम लोगों को बताई, जो हम लोग के लिए सीखनी भी जरूरी है। आज बहुत इनफॉर्मल बातचीत प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय पर इस चर्चा के दौरान 100 दिन का एजेंडा भी साफ कर दिया। गिरिराज सिंह, जिनकी हम चर्चा बार बार कर रहे हैं कि फायर ब्रांड नेता, गिरिराज सिंह एक बार फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। गिरिराज सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि जैसे पहले काम कर रहे थे, एक बार फिर से वैसे ही काम करेंगे। गिरिराज सिंह से, गिरिराज जी केंद्र में फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। अभी उन्हें चाय पर बुलाया गया था, प्रधानमंत्री के साथ चाय पीने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं अपने आवास। गिरिराज जी, प्रधानमंत्री की तरफ से क्या निर्देश मिला है आप लोगों को? काम करने के लिए इसके सिवा और क्या निर्देश? नहीं, सब मिलकर काम करेंगे, भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। एक बार फिर से आप शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, पिछली सरकार में भी आप कैबिनेट मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्रालय आप संभाल रहे थे, इस बार आपकी प्राथमिकता कैसी होगी जो नया मंत्रालय मिलेगा उसमें? मंत्रालय न कोई छोटा होता न बड़ा होता, जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती। एक महत्वपूर्ण सवाल, इस बार बिहार से देखा जाए तो सहयोगी दल भी इस बार जीत करके आए हैं, सहयोगी दलों के साथ इस बार सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार है। जेडीयू से दो मंत्री हैं और बाकी जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, बाकी सारे लोग हैं, कैसे उनसे कोऑर्डिनेशन करके आप लोग आगे चलेंगे? बेहतर तरीके से, जैसे बिहार में चल रहा है। आपका तो लंबा तजुर्बा है बिहार में भी, साथ साथ चल रहा है हमारा, उसे दिल्ली में चलेगा। आपकी प्राथमिकता क्या होगी इस बार अगले 5 साल के लिए? आप अपने लिए क्या प्राथमिकता तय की है? गिरिराज सिंह की प्राथमिकता क्या होगी? विकसित राष्ट्र में जितने जितना ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। आखिर में एक महत्वपूर्ण सवाल, प्रधानमंत्री ने फिर से आपके ऊपर भरोसा जताया है, बिहार में भी जब आप मंत्री रहे नीतीश कुमार की सरकार में, वहां भी आपने काम किया, दिल्ली में भी जो आपका काम है, आपका धीरे धीरे प्रमोशन होता गया, पहले आप राज्य मंत्री बने, फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, फिर कैबिनेट मंत्री, फिर से जगह मिलेगी, लेकिन हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बिहार में अगर कहा जाए हिंदी पट्टी में तो आपको माना जाता है, तो आप विकास और हिंदुत्व दोनों में सामंजस्य स्थापित कर कैसे चलेंगे? जैसे चल रहे थे वैसे चलेंगे। तेवर वैसे ही बरकरार रहेगा? जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। गिरिराज सिंह अपने उसी तेवर में? भाई तेवर का कहां सवाल है, काम करना है, काम करते थे, काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री जो बनने जा रहे हैं गिरिराज सिंह, आज शाम शपथ ग्रहण होना है, एक बार फिर से मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तीसरी बार पीएम मोदी के शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बताया। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के दौरान उन्होंने सीधे कहा कि भाई ये जो क्षण है ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पीएम मोदी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे, ये भरोसा और विश्वास हम सबका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रिमंडल में जगह को लेकर कहीं कोई दबाव नहीं है। विजय सिन्हा है हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आज सर सभी उन लोगों को पीएम ने चाय पर बुलाया जो मंत्री होने वाले हैं? निश्चित तौर पर हर बार सरकार शपथ के पहले बुलाते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं और आज वो परंपरा तीसरी बार, ये ऐतिहासिक क्षण पूरे देश को गौरवान्वित कर रहा है और एनडीए गठबंधन के हर कार्यकर्ता कहीं न कहीं उत्साहित है। उनको लग रहा है कि इतने भरम, इतने नकारात्मक वातावरण, झूठ का बाजार सजाने वाले लोग आज लज्जित हैं, क्योंकि आज फिर से देश की जनता का जनादेश नरेंद्र मोदी जी को। बिहार को लेकर जो रिप्रेजेंटेशन मिला है, जो मंत्री अब बनेंगे बिहार से, उस पर क्या कहना है आपका? पूरा बिहार गौरवान्वित है, प्रधानमंत्री जी का स्नेह हमेशा रहा है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो स्नेह शुरू हुआ वो स्नेह आज भी बरकरार है और बिहार के हमारे जो भी मंत्री बनेंगे वो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ विकसित भारत, विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करेंगे। आखिरी सवाल यह है कि जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा था कि रेल मंत्रालय मिलना चाहिए, कृषि मंत्रालय मिलना चाहिए, तो इस तरह की जो डिमांड है वो आपके सहयोगियों की तरफ से आ रही है, तो क्या लगता है कि प्रेशर टैक्टिक्स है क्या? ब्रेकिंग न्यूज सरकार नहीं चलाती है, प्रधानमंत्री जी ने कह चुके हैं और जो ब्रेकिंग न्यूज चलाने के लिए इस तरह की बात करते हैं उसमें कोई गंभीरता नहीं होती है। तो विजय सिन्हा जो कि बिहार निवास पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि बिहार को जो मंत्रिमंडल में रिप्रेजेंटेशन मिला है पूरा बिहार इससे गौरवान्वित है। कैमरा पर्सन ईश्वर के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।
तो सबसे ज्यादा अगर मंत्रियों की संख्या या उनके नामों की चर्चा कहीं से हो रही है तो बिहार में हो रही है। आगामी तकरीबन एक से डेढ़ साल के बीच यहाँ पर विधानसभा के चुनाव भी बिहार में होने वाले हैं और एक बड़ा मकसद, एक बड़ी वजह इसके पीछे ये भी मानी जा रही है। हालांकि 39 सीटें पिछली बार 2019 में अगर देखा जाए तो हासिल की थी एनडीए ने, इस बार 30 सीटें नहीं लेकिन 30 सीटें जो अच्छी खासी संख्या तब भी मानी जाएंगी। झारखंड की बात कर लेते हैं जहां पर दो सांसदों को मंत्री परिषद में जगह मिली है। जी हां, रांची सीट से दूसरी बार सांसद बने हैं संजय सेठ, केंद्रीय राज्य मंत्री उन्हें जिम्मेदारी के तौर पर बनाया जाएगा। न्यूज 18 संवाददाता अमितेश सिंह ने संजय सेठ से खास बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा जरा वो भी सुनिए। बीजेपी सांसद संजय सेठ के आवास पर मैं मौजूद हूं, देख सकते हैं किस तरह से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। संजय सेठ को कॉल आया, संजय सेठ लगातार दूसरी बार रांची से सांसद बने हैं, उनके पास कॉल आया और पीएम आवास गए थे, वहां से चाय पर जो चर्चा हुई, चाय पर चर्चा के बाद यहां पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं उनके आवास पर सभी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं। संजय जी, मंत्री बनने की बहुत बहुत बधाई, आप शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। अभी हम सब पार्टी के स्वयंसेवक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता थे हैं और कार्यकर्ता रहेंगे। पहली बार ये राष्ट्र की सेवा है, राष्ट्र की सेवा में लगे रहेंगे हम लोग। पहली बार आपको मौका मिला, पांच साल आपने बतौर सांसद काम किया, प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर हमको याद है जो संसदीय दल की बैठक हुई आपने जो रांची में काम किया उसका जिक्र भी किया और कई बार आपकी तारीफ भी खुल कर दी थी, इस बार उसी का इनाम मिल रहा है। नहीं, सब इनाम हम नहीं कह सकते, बस ये सब प्यार है, आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री जी बिना रुके बिना थके जो राष्ट्र सेवा में है वही ऊर्जा हम सब में ग्रहण करते हैं। कल भी राष्ट्र सेवा कर रहे थे, आज भी राष्ट्र सेवा, कल भी राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। हम सब का काम है जो भी कार्य करें राष्ट्र प्रथम देश प्रथम के भाव से काम करें, राष्ट्र पहले। राष्ट्र सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और राष्ट्र सेवा हम सब और ऐसे ही निरंतर करते रहेंगे। हम सब लगातार झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना पसीना बहाएंगे बिना रुके बिना थके। ये सब प्रेरणा देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम सब ग्रहण करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रांची से सांसद संजय सेठ हैं जिनके समर्थक यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री आवास से यहाँ पहुंचे हैं निश्चित रूप से, और उनके समर्थक यहाँ पर, उनके चाहने वाले यहाँ पर जुटे हुए हैं। इनका कहना है कि राष्ट्र प्रथम है, हम राष्ट्र की सेवा करेंगे, मंत्री पद पर रहते हुए आसीन होते हुए राष्ट्र में ही झारखंड है, इसलिए झारखंड की भी सेवा होगी। कैमरामैन प्रहलाद के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। तो देखिए, सतीश चंद्र दुबे की भी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ब्राह्मण समाज से आते हैं और उन पर सबका फोकस इस बार। अक्टूबर 2019 की बात करें तो उत्तर बिहार में ब्राह्मण का एक बड़ा चेहरा सतीश चंद्र दुबे, 2005-2010 में विधायक और 2014 से सांसद। 2014 में वाल्मीकि नगर से वो सांसद चुने गए थे, बने थे। चनपटिया नरकटियागंज से वो विधायक रहे हैं, यानी कि राजनीतिक अनुभव अच्छा खासा लंबा। अक्टूबर 2019 में बीजेपी से राज्यसभा तक की रास्ते को उन्होंने तय किया और जिस ब्राह्मण समाज की हम बात कर रहे हैं उस ब्राह्मण समाज से प्रतिनिधित्व की बात जब आई तो सतीश चंद्र दुबे सबसे मजबूत और बड़ा चेहरा, और इसीलिए इन्हें भी मंत्रिमंडल में संभावित जिन मंत्रियों की बात हम कर रहे हैं उनमें सतीश चंद्र दुबे का नाम सामने आ रहा है। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, चलते चलते नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का यह है नया नाम। आशा